अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बताया कहाँ पे आपकी दुकान थी और क्या कुछ हादसा हुआ? भैया मैंने कल ही मोमोज और सैंडविच का ठेला चालू करा था रामनगर चौराहे पे। कल नगर निगम के कुछ अधिकारी उन्होंने आए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि ये गाड़ी हटा लो। मैंने उनसे बोला था कि हाँ भैया मैं हटा लूँगा, अपना सफाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन आज सुबह 10 बजे के आसपास नगर निगम की टीम गई, उन्होंने गाड़ी उठा ली और गाड़ी उठा के नगर निगम ले आए और गाड़ी के साथ तोड़फोड़। आपको सूचना थी इस बात की इन्होंने ऐसा करा के? सूचना नहीं थी मेरे को बिल्कुल। फिर आपको कैसा मालूम पड़ा दुकान? फिर मैंने जीजा को फ़ोन लगाया मेरे, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी अपनी यहाँ से चले गए, मैं जाके देख के आया था। हाँ। नुकसान हुआ आपका? और कम से कम 10,000 रुपये का नुकसान हुआ सर, उसमें बोर्ड भी तोड़ दिया गया मेरा, गाड़ी का पहिया भी तोड़ दिया गया। क्या मानते हैं आप, एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान ठेले वालों के लिए लोन दे रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? यही चीज़ तो गलत है ना भैया, मैंने भी लोन लेके काम करा था, लेकिन क्या हुआ हम रोजगार बनाने की सोच रहे हो और हमारा तो रोजगार बनने से पहले ही उजड़ गया। क्या नाम है आपका? सौरभ परमा। ये दुकान को जो तोड़ दिया है नगर निगम ने सर्वेक्षण के नाम पे, जिस तरह से जो कार्य चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जहां गरीब कल्याण योजना लाकर गरीबों का भला कर रहे हैं, वहां देवास में कमिश्नर और नगर निगम के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के परिषद को भी बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वे गरीब लोगों के छोटी छोटी दुकानों को तोड़ रहे हैं, लोन लेकर जो दुकानें बनाई गई है उनको स्वच्छता के नाम पर तोड़कर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। मैं इसका कड़ा विरोध दर्ज कराता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक की भी इसकी शिकायत की जाएगी, माननीय विधायक जी को भी इसकी शिकायत की जाएगी, माननीय सांसद जी को भी इसकी शिकायत की जाएगी कि स्वच्छता के नाम पर नगर निगम के अधिकारी गरीब लोगों के ठेलों को तोड़कर उनकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जब गरीबों के पेट पर लात मार के बनाई जाए। अभी आपने नगर निगम महापौर जी को भी फोन किया है? मैंने माननीय महापौर जी से भी निवेदन किया है कि इस प्रकार गरीबों का नुकसान करके किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम आने का हमको कोई शौक नहीं रखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, ये गरीब कल्याण की योजनाएं लाकर हम गरीबों का भला करने वाले लोग हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार गरीबों को भलाई की योजनाएं ला रहे हैं, अंत्योदय योजनाएं ला रहे हैं। उस ऐसे समय में, चुनावी समय में, इस प्रकार गरीबों के दुकानें तोड़ना स्वच्छता के नाम पर कहाँ तक उचित है? क्या तोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, मैं माननीय विधायक जी को भी इसकी शिकायत दर्ज करवाऊंगा, माननीय महापौर को मैंने बताया है कि इस प्रकार कृत्य करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एक गरीब का नुकसान किया है इन लोगों ने, जिसने लोन लेकर अपनी दुकान बनाई थी। भैया जिसकी भरपाई किस तरह से करेंगे अब? ये नगर निगम प्रशासन को इसकी भरपाई करना पड़ेगी, नगर निगम प्रशासन को इसकी भरपाई करना पड़ेगी।